चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने चलता फिरता एक खिलौना है। नहीं, मुझे लगता है कि तुम पहले चंपा और दीवान की जिंदगी से शुरू करो। यही गांव है चंपा का। ये खेत देख रही हैं मैम साहब, इन खेतों की हरियाली की तरह तब चंपा भी अपनी उम्र के साथ लहला रही थी। तू तो गोबर मिट्टी में सिंधी रहती है ना, तू का जाने। इधर आ, तासा सूंघ ना, सूंघ ना, सूंघ तो सही। मैं भगवान को साक्षी मानकर तुझे अपनी पत्नी मानता हूँ। अपने दोस्त रतन के साथ मिलकर कितनी और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। एक बार इसे मेरे स्टूडियो में ले आ मेरे यार। कितने गंदे कपड़े हैं, मैं ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? अटैक हो गई ना सब हीरोइनों की छुट्टी। यहाँ देखिए, गुड। इसी से पूछ लीजिए मैम साहब, गंदी जिंदगी की जलालत तो इसी ने झेली है। हेलो, मैं स्पीक टू डॉक्टर सलीम प्लीज। सलीम सुनो, एक खास बात सामने आई है। चंपा की एक बेटी भी है, उसका नाम है बीना। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, उस बच्ची को भी खतरा हो सकता है। ओके, मैं उसके स्कूल का पता पूछ लूंगी, ठीक है? ओके, और क्या हो रहा है? दिल नहीं लग रहा है ना मेरे बिना? झूठे कहीं के। ओके, सी यू, बाय। राजेश, रेडी टू रोल? रोल प्लीज। हाँ एक बात तो बताओ चंपा, क्या इतने सालों में तुम्हारी मदद को कोई नहीं आया? शुरू शुरू में एक डॉक्टर दीदी आती थी। डॉक्टर दीदी? पता नहीं वो डॉक्टर थी भी या नहीं, लेकिन आसपास की सारी औरतें उन्हें डॉक्टर दीदी कहती थी। तो असल में वो कोई समाज सुधारक थी। चंपा, अगर तुम कुछ बताओगी नहीं तो तुम्हारे घर वालों को कैसे ढूंढूंगी? डॉक्टर दीदी, मैं आपको अपने गांव का पता नहीं दे सकती, क्या मुंह लेकर घर जाऊंगी? क्या कहेंगी आप उनको कि उनकी बेटी शहर में एक? चंपा, तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुमने घर से भागने की नादानी की। तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ, सिर्फ तुम अपने घर का पता बता दो, पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल पहले की तरह। दीदी, क्यों झूठा दिलासा देती हो? अब कुछ ठीक नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कहते। देखो, तुम मुझे अपनी दीदी कहती हो ना, तो दीदी का तो कहना मानना चाहिए। सिर्फ तुम अपने घर का पता बता दो, मैं तुम्हें इस नरक से निकाल के आऊंगी। लेकिन पहला कदम तो तुम्हें उठाना होगा ना। लेकिन दीदी, वो दीवान, उस राक्षस से मत डरो। ए, 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 राक्षस किसको बोलती है और तू क्या सुन रही है बैठ के? तू बार बार रोज मत आया कर मेरी औरत का माथा खराब करने, निकल निकल यहां से।
अब्बा डार्लिंग, इसे चख तो। मैं नहीं पीऊंगी। हाय राम, कितनी बदबू आ रही है, तो कैसे पी लेता इसे? छी चंपा, जो खेल हम शहर में खेलते हैं ना, ये उसका पहला कदम है। खेल? कौन सा खेल? खेल माने खेल। जो खेल हम खेलने जा रहे हैं ना, वो खेल तो इसके बिना शुरू ही नहीं होता। दीवान, तो कैसी बातें कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती। मीरा भाई का नाम सुना है? अरे जब प्रेम दीवानी मीरा अपने प्रेम में वो जहर का प्याला पी सकती है, तो तू अपने दीवान के लिए ये नहीं पी सकती? पीना, चखना। चंपा, इसे पीना। चंपा, तुझे तुझे मेरी कसम चंपा, पीना पीना। अब देखना तू इसका मजा, ये तुझे दूसरी दुनिया में ले जाएगी और तू बोतल में उतर कर नाचने लगेगी। मैं भला इस बोतल के अंदर कैसे नाचूं? ये शराब ना जब तेरे गले से नीचे तेरे दिल में उतर जाएगी ना, तो नाचने लगेगी, फिर तू बोतल में उतर कर खुद ब खुद नाचने लगेगी। इसे कहते हैं मस्ती से जीना और पीना पीना पीना। ये पीने से पहले आपस में गिलास क्यों टकराते हैं? ताकि पीने के बाद लोग आपस में टकराएं। देख चंपा, अगर तू अपनी फोटुओं की वजह से हीरोइन बन गई ना, तो अपने बारे के न्यारे हो जाएंगे। ये कुटिया है ना, कुटिया, ये रातों रात महल में बदल जाएगी। कुटिया ही मेरे लिए महल है। नहीं चंपा, तूने अभी महल देखा ही कहाँ है। जब तू हमारी दुनिया के महल में कदम रखेगी ना, तो मस्ती और आराम की जिंदगी में सब कुछ भूल जाएगी। और मैं तुझे देख के कहूंगा, चंपा क्यों परेशान है इस ताज में आकर, एक नया ताज मैं बनवा दूंगा। और तेरी मांग ए चंपा, मैं चांद तारों से सजा दूंगा। सच्ची मुच्ची? और नहीं तो क्या। हाँ चंपा, तू बस एक बार हीरोइन बनकर लोगों के दिलों दिमाग पे छा जा, फिर देखना। लेकिन मुझे तो कुछ आती ही नहीं है। तू क्या सोचती है हा? ये जितनी हीरोइने हैं, ये क्या अपनी माँ के पेट से सीख के आई थी? राख, इन्हें भी कोई ना कोई मुझ जैसा दीवान मिला होगा, जो इन्हें फिल्मों की ऊंचाई पे ले गया होगा। तू उठ ना, हमने मेले में दो तीन बार सलीमा देखा था। बस तो अब समझ ले चंपा, तू मेरे साथ रह के खुद सलीमा बन जाएगी, माने सलीमे की हीरोइन। वैसी सच? 16 आने सच, 100% सच। रतन ने जो तेरी फोटोएं ली है ना, वो कल आ जाएंगी। उसने तुझे हीरोइन बना दिया है। फोटो देखियो,
तू अपने को पहचान नहीं पाएगी। हाँ ये क्या बदतमीजी है, होश में तो है ना? गंदी तस्वीरें, छी, अपने को देख के खुद ला जाती है। मैं वापस अपने गांव जा रही हूँ, अपने माँ बाप के पास। वापस जाएगी? अच्छा अच्छा, जबी रस्सी बल दिखा रही है। चंपा, रेलगाड़ी प्लेटफार्म का सिग्नल क्रॉस करने के बाद वापस नहीं आती, और तू गांव की जिंदगी का सिग्नल क्रॉस कर चुकी है। तू शहर आ चुकी है, अपनी जवानी की रफ्तार के साथ काम की रफ्तार भी बढ़ा। पीछे मुड़ के मत देख, आगे आने वाले स्टेशन की सोच। अब मैं तेरी चाल समझ गई हूँ। तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कमीने। तू मुझे पत्नी बनाकर लाया था, और अब तू मुझे दीवान। मैंने तो तुझे अपना आदमी माना था। हाँ, मैं तेरा आदमी रहूंगा, और तुझे नगर वधू भी बना दूंगा, पूरे शहर की दुल्हन। और नगर वधू बनाकर तुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद भी दूंगा। चंपा, मैं तो एक बहेलिया हूं, और तू मेरी बंदी है, मेरे पिंजरे का पंछी। तू दाना देख, फंदा मत देख। फंदा तो कब का पड़ चुका है। औरत जिंदगी में सिर्फ एक ही को अपना पति मानकर उसके गले में वरमाला डालती है, और फिर उसी के साथ घर की चार दीवारी में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाती है। अरे जा, तू क्या समझेगा ऐसे पवित्र रिश्ते को। बेवकूफ औरत, यहां हर रात तेरे गले में नोटों से भरी जयमालाएं पड़ेंगी। हर रात तू नई दुल्हन बनेगी, सदा सुहागन रहेगी। और तू मेरा दलाल बनकर रहेगा? अरे मैं तो विश्वास की डोर में बंद कर अपना हाथ तेरे हाथ में देकर चली आई थी, उल्टा तू मेरा पति बनकर मेरे पल्लू से बंध गया। मैं जहर खा लूंगी, पर यह काम नहीं करूंगी। धिक्कार है तुझ पे। अब तू धिक्कार या दुत्कार, ये तो राजी का सौदा है। मान जाएगी तो दोनों फायदे में रहेंगे, नहीं तो बेच दूंगा कहीं पे, फिर भुगतती रही हो सारी उम्र। तू बेच दे मुझे, पर तू भी कभी सुख से नहीं रहेगा। अरे मैंने क्या पाप किया है? एक तो मैं तुझे शहर ले आया, और तू उल्टा मुझे ही आगे दिखाई जा रही है। तो मैंने क्या पाप किया है जो तू मुझे एक गंदी जिंदगी दे रहा है? ना, 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 मेरी बात ध्यान से सुन, सोच समझ। अरे हर औरत का एक टाइम होता है, तू उस टाइम को कैस कर ले, वरना बुढ़ापे में तुझे कोई नहीं पूछेगा। जैसे बस ये एक दो बारी की तो बात है, जैसे तूने मेरे साथ गांव में वो इम्तिहान पास किया था ना, वैसे एक बार ये दरिया पार कर ले, फिर तो तू बड़े बड़े समंदर पार कर जाएगी। शाबाश। ना, ना, ना। हुजूर, ताजा और साफ सुथरा गांव का पौधा है, चंपा के लिए। यार पैसे ठीक ठीक लगा। अरे हुजूर, मैं तो माली हूँ, पसीने से सींचा है मैंने इसे अपने। मैं तो सरकार बस मेहनताना ले रहा हूँ अपना, गांव की खालिस मिट्टी का असली बीज है, मिलावटी खाद बिल्कुल नहीं है सरकार। अच्छा ले यार। मेरे खाविंद, तू मुझे बेचता रहा, मैं बिकती रही, और अब मैं तुझे घर के कुत्ते की तरह रखूंगी।
कैसी है तू चंपा? अरे तू आ गया, आजा 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 मेरी चौखट के पालतू कुत्ते। क्या दूं, हड्डी का टुकड़ा? चंपा मुझे 10,000 रुपया चाहिए। क्यों, इतने दिनों से तुझे कोई नई मछली नहीं मिली क्या? क्या तुम जैसे बदजात दलालों के नसीब इतने खराब हो गए कि उनके कांटों में मछलियों ने फंसना बंद कर दिया? अरे तू तो इस खेल का बड़ा तगड़ा खिलाड़ी है, दलालों का भी नंबरी दलाल। जुबान संभाल कर बात कर चंपा। तूने मुझे पत्नी से रखेल और रखेल से एक बाजारू बनाकर सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दिया, और जिस दलदल में तूने मुझे धकेला उस दलदल में आज तक मैं घसती ही जा रही हूँ। दौलत तो मैंने कमा ली, लेकिन अब इस दलदल से निकलना भी चाहो तो मैं नहीं निकल सकती। चला जा यहां से कुत्ते, चला जा। चंपा, मैं क्या चंपा चंपा करके भौंक रहा है? देख, आज तेरा दिया आशीर्वाद फल रहा है। मेरे पास ना दौलत की कमी है और ना खरीदारों की। अरे कमबख्त, जिस चंपा को गांव की हवा नहीं छू पाई उस चंपा का तूने शहर की हवा लगा दी। तूने मेरा मुकद्दर बदल दिया। जिंदगी भर मेरी आत्मा तुझे दुआएं देती रहेगी। अरे जालिम, तूने मुझे बेचता रहा और मैं वक्त के हाथों बिकती रही। ठहर दीवान, जाते जाते आज मेरा भी आशीर्वाद लेता जा। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मेरी बद्दुआ तेरे साथ जाएगी। यही सच्चाई है मेम साहब, यही सच्चाई है। चंपा की वही बद्दुआ लिए जी रहा हूं मैं। ऐसे आड़े वक्त पर कैसे छोड़ दूं उसे? सच तो यह है कि मैं उसके प्यार को समझ ही नहीं पाया। मैंने उसे नरक की आग में झोंक दिया और बदले में उसे मिली ये जानलेवा बीमारी। मेम साहब, वो अपनी बिटिया से बहुत बहुत प्यार करती है। मैं चाहता हूं वो खूब पढ़े लिखे, समाज में ऊंचा से ऊंचा दर्जा पाए। जरूर हो गई है मैम साहब, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। दिल की बुरी नहीं है मैम साहब, वो दिल की बुरी नहीं है। हेलो, दिलबैंक साहब बतलाइए। हाँ हाँ, बाकी मिल सकते हैं मुझे। नहीं, अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। दिलबैंक साहब आप आ जाइए, मैं आपसे मिल लूंगा, आप घबराइए नहीं। आप आइए तो सही दिल्ली। आप नहीं लेंगे अपॉइंटमेंट, आप सीधे आके मुझसे मिलिए। आकर मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपसे जरूर मिलूंगा उसी वक्त। हाँ, आप बेफिक्र रहें, मैं आपसे जरूर मिलूंगा। आप आइए तो सही। Come in, Manas.
बोलो मैनस, क्या कहना है? सर बोलो ना, तुम शेखर से मिले थे? जी सर, मिला था सर। क्या क्या, हमारे बीच एक शतरंज की बाजी भी हुई थी सर। गुड गुड, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारो, शायद वो तुमसे रफ्ता रफ्ता कुछ खुले। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर मैं इस वक्त आपसे कुछ और ही कहने आया था सर। क्या बात है मैनस, तुम्हारी कैंची की तरह तेजी से चलने वाली जुबान आज लड़खड़ा क्यों रही है? सर कुछ बात ही ऐसी है सर, मैं अस्पताल से सीधा आ रहा हूँ सर। शेखर की वीजे के लिए मेडिकल रिपोर्ट लेने गया था सर। तो फिर? सर वो शेखर की ब्लड रिपोर्ट HIV पॉजिटिव है। दो आँखों